किसान भाइयों, मैं अनु मिश्रा, जयपुर लखनऊ किसान नर्सरी में आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नई खेती बागवानी के रूप में। ये हमारे अंकल हैं, इनके जो पुत्र श्री हैं, जो हमसे कम से कम 3-6 महीने जुड़े थे, वो ताइवान पिंक वीनियर और प्लस वीएनआर वीनियर ग्राफ्टिंग में हम बागवानी लगा रहे हैं। पहले से बागवानी लगाए हैं, क्लोन पौधा लेके लगाए थे। कहाँ से अंकल खरीद के लगाए थे? यहाँ बेच के आया था यही कहीं लाए थे? नहीं, कलकत्ता में लेके। कलकत्ते सब सूख गए, बचे तो है नहीं, थोड़े बहुत बचे हैं, सब सूख गए। क्योंकि क्लोन वाला वो लोग क्या करते हैं, उसकी उनकी जो जड़ें हैं वो फूटती नहीं है, क्योंकि वो लोग कोन में ज़्यादातर ये रूट्स वाला पाउडर दे के उनकी रूट्स को बिल्कुल ख़राब कर देते हैं। ये अंकल हमारे बताएंगे कि ये एरिया कहाँ पे है जो हमारा पौधा लग रहा है, वीएनआर और ताइवान पिंक सब ग्राफ्टिंग है वीएनआर में। जी अंकल जी, ये बता दीजिए कहाँ पे हमारा पौधा लग रहा है, एग्जैक्ट लोकेशन हमको बता दीजिए पूरी। ये दोरासरी गांव है जी, दातारामगढ़ तहसील है। दातारामगढ़, हाँ, सीकर जिला। अच्छा, गांव कौन सा है? डोलासरी। ये जोबनेर से कितना पड़ता है? जोबनेर से 65 किलोमीटर। 65 किलोमीटर, अच्छा 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 तो सबसे पहले नीम की खली भुरा देना चारों तरफ 50 ग्राम। उसके बाद ये झिल्ली फाड़नी है आपको, और झिल्ली फाड़ के जला दीजिएगा किनारे करके, यहाँ मत रखिएगा, ठीक है? देसी तोड़ना है, ठीक। इसके बाद इसको इंटर, ये साइड है, ये देख लीजिएगा, गोबर खाद जरूर पड़नी चाहिए, और साइडें दाबनी है आपको ये, ठीक है? ये साइडें दाब देंगे तो टाइट हो जाएगा, तो जड़ पकड़ लेगा बहुत जल्दी। जो खुरपा होता है उल्टा करके ठोक दीजिएगा, और एक महीने, अभी तो ये खुल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें झिल्ली ये टाइट है, एक महीने बाद जब जड़ पकड़ेगा, किल्ले निकालेगा, तब एक महीने बाद झिल्ली खोलनी पड़ेगी ये वाली आपको। किसी किसी में वैसे तो खुल गई है, खुलवा दी थी हमने, पक्का हो गया ये, कोई दिक्कत नहीं है। पास ले, आवाज नहीं पहुंचे ना, माइक राइडर नहीं लाए, आवाज देसी जरूर तोड़ना है, ठीक है? ये देसी बढ़ेगा कलम मार देगा, देसी बढ़ जाएगा कलम मार देगा। ये देखो साइडें जोर दाबनी है, ये टाइट कर देना है, बीच में नहीं मारना है, क्योंकि बीच मारोगे मिट्टी हिल जाएगी, जड़ें हिल जाएंगी इसकी साइडें, ये और फिर भी हर 15 दिन के बाद ये आप अंकल ये देखे रहे, देसी ना फूटे, देसी पूरा तोड़ दीजिएगा, सही है? और हर और एक महीने में इतनी, 2 महीने में बढ़ा के इतनी चढ़ा दीजिएगा, देसी फूटना बंद हो जाएगा बिल्कुल, माटी चढ़ानी। हाँ, माटी हर 1 महीने में इतनी माटी चढ़ा दो, होता रहेगा। आइए अंकल, ये लगाइए क्या आप? साइडें जरूर टाइट करनी है, मिट्टी टाइट हो जाएगी जल पकड़ेगी, जब तक मिट्टी ढीली रहेगी जल, क्योंकि ये टाइट में ही जल पकड़ेगा कोई भी पौधा। फिर से लाओ जी। हाँ किसान भाइयों, मैं अनु मिश्रा, आपने देखा ना, यही अपना काम है। मैं अनु मिश्रा, जयपुर लखनऊ किसान नर्सरी में
आपका फिर से एक स्वागत करूंगा एक नई खेती बागवानी के रूप में। इसके लिए राम राम, जय हिंद।